इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इतने बड़े पैरों के निशान। जैक्सन साहब, इतने बड़े पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये उसी दरिंदे के पैरों के निशान है जिसकी तलाश में हम लोग यहां आए हैं। तुम लोग यहां जाओ, तुम आ जाओ, जाओ। इसका मतलब है दुनिया के इस आठवें अजूबे का वजूद है। आज मैं सबूत लेकर ही जाऊंगा। शेरशाह के चमचे, 10,000 रुपए की घड़ी निकाल के टेबल पे रख। मुकाबला मेरा दोस्त विजय जीतेगा। ओए खंजीर की औलाद, मेरे शेरशाह के दोनों बाजू दो नंगी तलवारें हैं, वो तुम्हारे कमांडो को
काट के रख देगा। चल भैया शुरू हो जा। अरे चंदन नगर की इज्जत का सवाल है। शेर शाह का सीना लोहे की चट्टान है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोहा लोहे को काटता है और आज ये लोहा तेरे इस लोहे के सीने को भुर्जा बना देगा। क्या अंकल मार खा रहे हो? उठो। शेर शाह का सीना लोहे की चट्टान है। अरे मैं तुझे शेर की औलाद समझा था, तू किधर की औलाद निकला तू? ए, उठाओ अपनी दो नंगी तलवारें और दफा हो जाओ। ये ले। सर, सफेद चोटी के पास गुफा में 3 लाशें मिली है, बुरी तरह कुचली हुई, उनके चेहरों पे पंजों के निशान है। आओ ना टीचर आंटी, आओ ना। भाई वाह, तुम्हारे मामा की तो बड़ी शानदार बर्फ की फैक्ट्री है। बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी बर्फ की लादियां हैं ना। बहुत बड़ी बर्फ की फैक्ट्री है। अच्छी हूँ, वो देखो। तुम्हारे मामा को तो बहुत ठंड लगती होगी। आओ अंदर आओ, बैठो, इसे अपनी ही फैक्ट्री समझो। अच्छा, क्या पियोगी, ठंडा या गरम? कुछ भी। मैं भी आई। हाय रोशनी। हाय सूरज, कैसी हो? अच्छी। हाउ आर यू? लवली। चकाचक चकाचक। तुम्हें अपनी फैक्ट्री दिखाऊं? हाँ चलो चलो। बाप रे, इतना बर्फ। ओहो, ये तो मुझे कहाँ ले आया है सूरज, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है हमारी जाने मन को? हाँ सर्दी लग रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? सर्दी लग रही है ना हाथ से। अरे सोश आ जाएगी ना। वो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गई है। ओहो छोड़ो भी। ठीक है,
लेकिन उससे पहले चुम्मा तो दे दो। अरे ना भग देते हो जना, बस शुरू हो जाते हो। इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है? मामा मैं सब समझ गई। अरे वाह, तू क्या क्या समझ गई? हाँ क्या समझ गई? यही कि टीचर आंटी जल्दी मामी बनने वाली है। मामी यानी कि मामा की मामी। छल के जाम तू मेरे दो, 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 दो।
डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, अंदर भी प्रॉब्लम बाहर भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। ओ मामा, हाय साशा। आंटी टीचर आ गई, टीचर आंटी आ गई। हाय, आओ रोशनी बैठो। नो थैंक्स, साशा तैयार हो गई? जल्दी करो ना मम्मी। रोशनी, लेकिन आज तो स्कूल की छुट्टी है, आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? दीदी, गर्ल्स स्काउट में बच्चों को बाहर ले जाकर घुमाना पड़ता है ताकि नेचर के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा मालूम हो। वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन तुम लोग पहाड़ियों पर तो नहीं जा रहे हो? नहीं दीदी, आजकल ऐसी बुरी बुरी खबर सुनने को मिलती है, बच्चे को दूर भेजते हुए तो वह दिल कांप जाता है। ओहो दीदी, तुम तो बस खामखा घबराती हो, हमारी साशा अकेली थोड़ी जा रही है, और भी तो बच्चे साथ में होंगे, और फिर रोशनी बच्चों की गाइड है, पता नहीं हम जैसे भटके हुए दिलों की गाइड कब बनोगी। दीदी सुन रही है? दीदी हा? क्या तुम सुन रही हो? नहीं, मैं देख रही हूँ। चलो साशा, कम ऑन, मम्मी को और मामा को दोनों को पप्पी दो। थैंक यू डार्लिंग, अभी लाती हूँ। जी, बच्ची की पप्पी तो हो गई, अब उसकी टीचर की बारी है। चलो हटो, मुझे देर हो जाएगी। नहीं दोगी तो और देर हो जाएगी। देखो, मैं अभी दीदी को आवाज देती हूँ। दे दो, ताकि दीदी को भी पता चल जाए कि उसका भाई जवान हो गया, शादी में देर ना करे। टीचर आंटी, अंकल को पप्पी दे दो ना, लेट हो रहा है। देखा, बच्ची भी बोल रही है, अब दे भी दो ना बाबा। ओहो। दे दो भाभी, अब दे भी दो। तो आप भी आ गए जनाब अपने दोस्त की तरफदारी करने के लिए। ओहो भाभी, आप तो गलत समझ बैठी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ ये बेचारा जो मांग रहा है ना, इसे दे दिया जाए। अच्छा, तो फिर ये जो मांग रहे हैं वो आप इन्हें दे दीजिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय। चलो साशा। बाय बाय मामा, बाय बाय अंकल। सूरज, आखिर तू मांग क्या रहा था? अरे छोड़ यार, अच्छी खासी फिल्म चल रही थी, सेंसर की कैंची की तरह आया और सारा सीन कट कर देता। कोई गल नहीं यार, डोंट वरी बी हैप्पी। ये बच्चे थकते ही नहीं। अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल गई तो हम खाएंगे क्या? अब अपन तुम्हारे मामा का नंबर घुमाता है,
उसकी हवाइयां उड़ जाएंगी। मिस्टर सूरज मल्होत्रा, इस वक्त तुम्हारी नन्नी मुन्नी भांजी हमारे कब्जे में है। बात करोगे? लो मामा, मामा मुझे बचा लो मामा, ये लोग मुझे मार डालेंगे मामा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्यों मामा श्री, सुन ली अपनी भांजी की आवाज? अब हमारी बात सुनो, अगर इस आवाज को जिंदा रखना चाहते हो तो 5 पेटी यानी कि 5 लाख रुपए तैयार रखना, घंटी फिर बजेगी। हरामजादे, कौन है तू? मैं पूछता हूं कौन है तू? हेलो कमीने, हरामजादे। क्या हुआ मेरी साशा को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? दीदी, उसे कुछ बदमाशों ने उठा लिया है। हम साले 5 लाख रुपए मांग रहे। साशा, साशा, कुछ पता नहीं, तुम्हारा फोन आएगा, फोन आएगा। दीदी भैया, कुछ भी करो, वो लोग जितना पैसे मांगते हैं दे दो, मेरे मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। दीदी घबराओ नहीं, दीदी हमारी साशा को कुछ नहीं होगा। दीदी मैं हर कीमत पे उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सूरज, सूरज साशा को, दीदी अब अफसोस करने से क्या होगा, जो होना था सो तो हो गया। हमारी हंसती खेलती साशा हमारी नजरों से दूर हो गई। दीदी मैं सच कहती हूँ, जो कुछ हुआ इतना अचानक हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब हम क्या करें? बेचारे हमारी बच्ची भी क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। सूरज, I'm sorry. सूरज, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका फोन तो आने दो, फिर हम देखते हैं। वो तो ठीक है विजय, मगर मेरी साशा, वो बेचारी बहुत ही नाजुक लड़की है। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होगी, क्या गुजर रही होगी इस पर। ये 25 ब्लाइंड, ये 50 की चाल। पचास ब्लाइंड, 50 मेरी भी ब्लाइंड। हंड्रेड ब्लाइंड, मेरी भी ब्लाइंड, घुंगरू बजा के, घुंगरू बजा के। 200 की चाल, 100 पर 100 कर। बस लग गया। अबे काटता सही, 3 बाशे। अबे घर में 2 बाशा तो मेरे पास है साले, ताश में 5 बाशा कहाँ से आ गए? अबे हमको क्या बोला, करो साले बड़े। अरे लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। पीछा करो, लड़की भागने ना पाए। चलो Thank you.
खत्म होते जाओ। कहता हूं लाला, वो एक भयानक किस्म का बर्फ का भूत था जिसे हमारे आदमियों को मार डाला और लड़की को ले गया। अबे ओ चरसी, तूने फिर से चरस की सिगरेट चालू कर दी क्या? नहीं। अब तुझे बर्फ में भी भूत नजर आने लगे हैं? मां कसम मैं सच बोल रहा हूँ, आपने घुंगरू से पूछ लिए। हाँ लाला ये सच कह रहा है, मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा, काफी लंबा चौड़ा था, उसे देखकर मेरे तो घुंगरू बजने लगे। ठीक है ठीक है, तुम लोग अपनी जबान बंद रखना, सूरज को नहीं पता चलना चाहिए कि बच्ची हमारे हाथ से निकल गई है। हमें 5 लाख हर कीमत पर वसूल करने हैं। हेलो हेलो, अब उनका नाम लोखंड लाला है। ठीक 12 बजे 5 लाख रुपए लेकर शिकारा पॉइंट पर पहुंच जाना। अगर पुलिस या किसी और को खबर देने की कोशिश की तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काट दी जाएगी। ठीक 12 बजे शिकारा पॉइंट। क्या हुआ भैया, साशा मिल जाएगी ना? हाँ दीदी, वहीं जा रहा, उन्होंने मुझे शिकारा पॉइंट पे बुलाया है। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचाना, मेरी साशा की रक्षा करना। दीदी, जब तक तुम्हारे दो दो भाई जिंदा है हमारी साशा को कुछ नहीं होगा। सूरज कहाँ है? उन लोगों ने उसे अभी शिकारा पॉइंट बुलाया है, पी गया है। शिकारा पॉइंट? कहाँ है? पहले पैसे तो देख लें। जब तक मुझे साशा नजर नहीं आती कोई कुछ नहीं देखेगा। बैग वहीं पे रख दो और पीछे हट जाओ, वरना सर में छेद कर दूंगा।
पंजे से बचकर जाएगा कहां? ज़ादे बच्ची कहाँ है? नहीं। बोल। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? जब तक तू नहीं बताएगा मैं इसी तरह तेरी एक एक पोटियाला करूंगा। बता। बताता हूँ वो बच्ची हमारे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्ची हमसे बचने के लिए सफेद चोटी की बर्फ की गुफाओं में चली गई। उस गुफा में एक खौफनाक दरिंदा था। हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा। हम डर करके भागे। मैं सच कहता हूं आपकी बच्ची उसी दरिंदे के पास है। विजय, अगर ये सच है तो फिर हमारी साशा? नहीं सूरज, हमारी साशा को कुछ नहीं होगा। उस दरिंदे ने अब तक न जाने कितने इंसानों को मार डाला है। क्या वो हमारी साशा को? नहीं सूरज, मेरा दिल कहता है साशा को कुछ नहीं होगा। हम सफेद चोटी की तरफ जाएंगे। साशा की तलाश में उन पर फैले पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। शाशा को तलाश किए बिना नहीं लौटेंगे। शाशा वापस आएगी, उसका जन्मदिन हम साथ मनाएंगे। हाँ चलो सूरज। हाँ चलो। हाँ।
डॉन, बेनी कहते हैं। अपन का नाम लोखंड लाला है डॉन बेनी, अपन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आइए। तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं ये उस दरिंदे की हैं, जो आधा इंसान है और आधा जानवर। लाला, ये तो वही बर्फ का दरिंदा है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। वो बच्ची दरिंदे के पास है। इस बर्फीले वजूद को सफेद चोटी के पास अक्सर बस्ती वालों ने घने कोने में भटकते हुए देखा है। मिस्टर बेनी ने इस दरिंदे की जानकारी हासिल करने के लिए मुझे कुछ लोगों के साथ सफेद चोटी में भेजा था। इस खौफनाक दरिंदे ने मेरे साथियों पर हमला किया, लेकिन मैं इसकी तस्वीरें लेने में कामयाब रहा। लेकिन मिस्टर डॉन बेनी, आपको अपन से क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप एक सर्च पार्टी तैयार करें और उस सफेद चोटी से उस बनमानव को जिंदा गिरफ्तार करके मेरे हवाले करें। इतने खतरनाक दरिंदे को गिरफ्तार करने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मिस्टर डॉन बेनी, आप इस दरिंदे का करेंगे क्या? इस 8वें अजूबे को मैं हिंदुस्तान से बाहर ले जाऊंगा, दुनिया में तहलका मच जाएगा, डॉन बेनी माला माल हो जाएगा। लेकिन ये काम तो बहुत सरफोड़ी का है। अरे, अब उनका धंधा ही पैसे वालों की टोपी फिरा के माल अंदर करने का है। इस बर्फ के टपोरी को भी उठा लेंगे। 10 लाख रुपए एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद। डील पक्की? अपन जिंदगी में कभी कच्चा काम नहीं करता डॉन बेनी। बच्चे तो बहुत उठा लिए, अब इस बर्फ के बाप को भी उठा लेंगे। हिला हिला जम के हिला मेरे दिल के संग हिल, सारे जमाने को हिला, सारे जमाने को हिला, सारे जमाने को हिला, सारे जमाने को हिला, हिला 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 हिला, सारे जमाने को हिलाना चाहता है तो बंबई चला जा, बप्पी लहरी जरूर बन जाएगा। अच्छा हुआ ये जिसको बीट बप्पी लहरी ने नहीं सुना, वरना अगली फिल्म में बर्तन बजा डालता रे। ये ले, चाचा के 4 रुपए बारहने। लस्सी कितने? पापा जी, लस्सी आ रही है। अरे सोने, कितना हुआ इसका? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा अठाना। अबे हो, निकाल रिपोर्ट। क्या यार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अरे झिंगा, तू काहे को फोकट में हमेशा अपनी दुम हिलाता फिरता रहता मेरे पीछे? हाँ, ये दुम बनाई गई तेरे लिए। ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? माय नेम इज लखन। तेरी इन अटखेलियों से सोहनी का दिल तुझ पर आने वाला नहीं। जा जाकर अपने कद के हिसाब से कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी कर ले। पाप से धरती फटी फटी। देख लूंगा आज रात के जश्न में झिंगा तुम्हें बताएगा कि उसका कद क्या है। Hila, 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 hila,
के खेलने का चीज नहीं, हाथ पे लग जाए तो पानी निकल आता है। अबे ओ कटी पतंग, फूट ले यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं काट के कांडी बना दूंगा। हट, मगर ये कांडी डंडी भी बन सकती है, अगर घुस जाए तो लाला झंडा बना देगी, समझे? पड़ी जो लात कसके कुतुब मीनार लेट गया। साला कमीना, मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपने मेरी इज्जत बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। आप लोग परदेसी लगते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पालगढ़। वैसे यहाँ से सफेद चोटी कितनी दूर? हाय राम, आप लोग सफेद चोटी की तरफ जा रहे हैं? वो जगह तो बहुत खतरनाक है, सुना है वहाँ पर एक खौफनाक दरिंदा रहता है। क्या किसी ने उस दरिंदे को देखा है? अक्सर बस्ती वालों ने उसके बड़े बड़े पैरों के निशान बर्फ में देखे, लेकिन आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ हमारी प्यारी छोटी मासूम सी बच्ची खो गई है, उसी की तलाश में जा रहे हैं। आ विजय। खैरी बाबूजी, आप लोगों ने मेरी मदद की है, अब उस बच्ची को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी। इन बर्फीले पहाड़ों के कच्चे रास्ते को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, दो दिन में ही मैं आपको सफेद चोटी तक पहुँचा दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। खबरदार, जो तू हमारे साथ आया तो। चलिए बाबू जी। हाँ, आओ बैठो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। रोशनी, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? मैं तो सिर्फ नाम की रोशनी हूँ दीदी, मैंने तो आप लोगों के घर को अंधेरों से भर दिया है। ऐसी क्यों समझती हो? भगवान पे भरोसा करो, हमारी साशा हंसती खेलती लौटेगी। Yeah.
लिया। वो बाबूजी, वो रास्ता देख रहे हैं ना, वो सीधा उस पहाड़ी की चोटी पर जाता है। और मालूम है उस चोटी पर क्या है? आपको कैसे मालूम होगा? चलिए मैं ही बताती हूँ। उस चोटी पर एक मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। जो मांगो मिलता है। पिछले सोमवार मैंने जो मांगा था इस सोमवार मिल गया। आप लोगों ने पूछा नहीं कि मैंने क्या मांगा था। वैसे आप पूछते तो भी मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरी मौसी हमेशा कहा करती थी कि बेटा दिल की बात किसी को मत बताना। बाबूजी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे अरे, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? बाबूजी मुझे डर लग रहा है। बाबूजी डर किससे? वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई है। कौन है? जाकर देखो ना। कैसे देखूं? तुम नीचे उतरोगी तो देखूंगा ना। बाबूजी उठिए। बाबूजी वहां देखिए झाड़ू के पास कोई है। कौन है अंदर? बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा। तुम यहाँ? अरे झिंगा, तू यहाँ कैसे? अरे ये क्या जवाब देगा, इसकी तो ठंड में कुल्फी बन गई है। बाकी विजय ये तो पूरा कर गया। मैं अभी इसकी आकर निकालती हूँ। मैं कहाँ हूँ? अबे ओ आशिक के पिल्ले, तू कुत्ते की तरह सूंघते हुए यहाँ भी मेरे पीछे आ गया। देखो बेटी मेरी जान, इन बर्फीले चट्टानों में अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ने आया हूँ। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में एक अंगल हो गया हूँ। अब तेरे बगैर मैं कंगाल हो जाऊंगा। वैसे अब इसका करेंगे क्या? इसे हम वापस तो भेज नहीं सकते। ये हमारे साथ चलेगा और हमारा सामान सर पे लाद के। मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इन कौर तेरा। आजा 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 आजा। अबे ओ कसाई, ये लकड़ियां काट रही है गोश है? जबान को लगाम दे ताजन, वरना पूना वापस भेज दूंगा तुझे। तेरी तो अबे ओ चूजे, ज्यादा फड़फड़ाएगा ना तो तेरा टेटवा दबा दूंगा। अरे बाप रे, क्या हाथ है, जैसे कि हाथी की सूंड। कितने का लिया? तूने ड्रम में नहाने का पानी भरा है? पानी भी भर दिया है, लकड़ियां भी काट दिया है, अभी सिर्फ आग लगा के पानी गर्म कर दूंगा। आई एम मेकिंग हॉट वाटर। तू जाके चाय बना, मैं नहाने का पानी गर्म करता हूँ, चल। पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में हे राम, मेरा बदन तो सचमुच जलने लगा। अरे ये क्या कर रहे तुम? मैं जल जाऊंगी। तुम अंदर हो? मेरा सारा बदन जल रहा है। तो मैं क्या करूँ? जैसे तुम अंदर गई बाहर निकलो ना। कैसे निकलूं? अरे जैसे अंदर। ये क्या कर रहे तुम? मैं अंदर बिल्कुल वो हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? ओहो,
तो मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम बाहर निकलकर कपड़े पहन लो। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गया? उल्लू पाजी कदे की तुम। मेरा नाम साशा है, साशा। तेरा नाम क्या है? नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। तेरा नाम है येती। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? खाना। गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए आप, इससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी बाबूजी। हमें यहाँ से पैदल चलना होगा, आगे तो बर्फ ही बर्फ है, पीछे आग ही आग है। हमारे दिल में लगी हुई इस आग से इन बर्फीले पहाड़ों को पिघलाकर नदियां बहा दूंगा और इन सबको उसमें डुबो दूंगा। मेरी जान हट। Oh,
अगर आप लोगों को आपकी बच्ची मिल जाए तो आप मुझे क्या देंगी? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अगर आप मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दे दें तो मैं उसे बहुत संभाल कर रखूंगी बाबूजी। बच्चे दुकानों में नहीं मिलते, और फिर मैं कहां से लाऊं बच्चा? मुश्किल है। बाबूजी, बाबूजी, बताइए ना, हाँ। बच्चे देंगे ना? हाँ। ये मुसीबत तो कल ही पड़ गई। ये मुसीबत मेरे गले क्यों नहीं पड़ती है? दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल सड़ता है तो सड़ने दे।
साशा मेरी बेटी, मेरी बच्ची साशा। भैया आज आप लोगों ने मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटा दी। माँ के मोहब्बत की कशिश औलाद को मौत के मुंह से भी खींच के लाती है। और हुआ भी ऐसे ही, उस खतरनाक दरिंदे के हाथों इस बच्ची का बच जाना चमत्कार ही तो है। क्यों दीदी? हाँ, लेकिन दीदी हमारी मेहमान है, इसका नाम है सोनी, इसी की मदद से हम साशा को ढूंढने में कामयाब हुए। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा सोनी, ये है रोशनी। अरे वाह, आपके घर में तो रात होती ही नहीं होगी, सूरज भी यही है और रोशनी भी। हाँ हाँ, अब तुम भी आ गई हो तो ट्यूबलाइट की तरह चलती रहना। न जाने मेरी ट्यूबलाइट कब जलेगी। ओहो, इस बरसात ने तो परेशान कर दिया। सलाम यूसुफ। अरे झिंगा, तू यहाँ? तुम ज्यादा चलेगी, मेरा साया तेरे साथ में चलेगा। अच्छा, तो यहाँ के मालिकों को पटाकर चौकीदार की नौकरी कर ली। तुम्हारे यहाँ से सोहनी का दिल नहीं दिखला सकते। रो, जी भर के रो। काहे को रोही, सफल होगी तेरी हरा धना। ट्यूब लाइट की तरह जलती रहना, ठीक है शहरी बाबू, आज घर में कोई नहीं है, ये ट्यूबलाइट तुम्हें बिजली की चमक दिखाएगी।
वाकई अपनी आंखों से उस बन मानव यानी कि येटी को देखा है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ गुफा में भी रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटे, ये बताओ तुम्हें येटी से डर नहीं लगा? डर डर कैसा, वो तो मेरा दोस्त है, बहुत प्यार करता है मुझसे। ऐसा? अच्छा साशा ये बताओ, तुमने तो येटी को अच्छी तरह देखा है, वो देखने में कैसा लगता है? बहुत लंबा, और ये बड़े बड़े पांव हैं उसके, सर से लेके पांव तक सफेद बाल है उसके। और आंखें? आंखें प्यारी प्यारी नीली नीली आंखें हैं उसकी। अब तो यकीन आ गया, मैं कोई ख्याली सपना नहीं देख रहा था, येटी का वजूद है और ये उसका ठोस सबूत है। अब उनका शक भी यकीन में बदल गया है डॉन बैनी, अब उन कल ही अपने आदमियों को लेकर सफेद चोटी की तरफ चले जाएंगे येटी को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए।
इतने बड़े पैरों के निशान किसी आदमी के नहीं हो सकते। ये उसी दरिंदे के पैरों के निशान है, आई एम श्योर। जब पैर इतने बड़े हैं तो सोचिए वो खुद कितना बड़ा होगा। वो यहीं कहीं आसपास होगा कि निशान हमें उस तक पहुंचाएंगे। फॉलो मी। दरिंदा जरूर इसी गुफा में होगा। ये गुफा नहीं, मौत का मुंह है। जो भी अंदर जाएगा निवाला बन जाएगा। हम अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर आएगा। वो कैसे? What a beauty! Mamma mia! Hey,
ये जी, कम 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 कम, लुक 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 हियर, लुक हियर, आ फैंटास्टिक, एक क्लोज अप, ऐसे ही सोए रहो, ऐसे ही, एक क्लोज अप, नियरर 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 ये तो पिंजरा तोड़ देगा। इस पर 24 घंटे लाइटें चालू रखो। ये बर्फ का टपोरी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरपुन चाहता है कि ये गर्मी से लाचार और कमजोर हो जाओ। जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो मैं तो डर कर बेहोश हो गई। क्या वो बहुत खतरनाक है? बहुत प्यारा है, मेरा दोस्त है वो। जब तुम लोग उससे मिलोगे ना, तो वो तुम्हारा भी दोस्त बन जाएगा। साशा, हमारा दिल करता है हम भी एटी से मिले। जब से मैं घर आई हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं उन बर्फ के पहाड़ों में वापस चली जाऊँ, अपने एटी के पास। तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एटी को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है और उसे यहाँ ले आए हैं। ये देखो, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अरे वाह, मामा का बहुत ख्याल रखती हो। मामा, मुझे एटी से मिलना है। नहीं साशा, तुम उस दरिंदे से नहीं मिलोगी। ना जाने कब उसका दिमाग खराब हो जाए और वो। नहीं मामा, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। चुप रहो, पता नहीं अब तक उसने कितने लोगों को मारा होगा। अच्छा हुआ पकड़ा गया। मैं तो मिलने जाऊंगी। साशा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर तुमने उसे मिलने की बात भी की तो। देखा तुमने? अरे साशा बेटी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? विजय अंकल, मुझे मामा ने डांटा। डांटा? क्या हुआ? मुझे एटी से मिलना है। एटी? ओ, तुम्हारा बर्फ वाला दोस्त? हाँ, मेरे साथ। अरे सूरज, तुम शाशा को डांट क्यों रहे हो? वो तो इसका दोस्त है। विजय, तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? दरिंदा इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दीदी? जब शेर जैसे दरिंदे को लोग सुधार कर सर्कस में नचा सकते हैं, जब सांप जैसे जहरीले को दूध पिलाकर पाला जाता है, पूजा जाता है, तो फिर ये दरिंदा दोस्त क्यों नहीं बन सकता? उसने इस बच्ची को प्यार दिया है। सब अपास है, मैं इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। जानवर आकर जानवर होता है, वो किसी वक्त भी इंसान पर हमला कर सकता है। उस दरिंदे ने सिर्फ उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यटी एक जानवर है, लेकिन उसके सीने में इंसान का दिल है। देखे कोई आज जरा जोश हमारा।
तंग भी तंग जुम जुमा जुम हो आहा हा देखे कोई आज जरा जोश हमारा नजारा करते हैं कैसे ये थी बेचारा चिक चाई चा चिक चाई चा हे भितल भितल झुम झुमा झुम ओ ओ आ आ देखे कोई आज जरा जोश हमारा हे भितल भितल झुम झुमा झुम ओ ओ आ आ देखे कोई आज जरा जोश हमारा
तंग हे तंग झुमझुम झुम ओ ओ आ आ आ देख कोई आज जरा जोश हमारा तंग झुमझुम झुम ओ ओ आ आ आ देख कोई आज जरा जोश हमारा यटी एक अजूबा कुदरत का है और उसे इस तरह कैद में रखना गैर कानूनी है। तुम्हारा ये कानून जंगल में चलता होगा ऑफिसर, ये शहर है और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं कि हम किसी जानवर को कैद में नहीं रख सकते। दुनिया के 60वें अजूबे को हमने बर्फीली गुफाओं के अंधेरों से निकालकर दुनिया की तारीख में एक मिसाल कायम की है। हम यटी को हिंदुस्तान से बाहर ले जाएंगे और उसे एक इंटरनेशनल फिगर बनाएंगे। आप लोग ये सब कुछ सिर्फ दौलत के लिए कर रहे हैं, दौलत के लिए। एक मजबूर लाचार और बेबस जानवर को इस तरह तड़पाना जुर्म है, जुर्म। आपको यटी उन्हीं बर्फ के पहाड़ों के हवाले करना होगा। तुम्हारा मतलब है हाथ आए हुए खजाने को दरिया में डुबो दे। यटी अब उनकी मिल्कियत है, अब उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तुझे जो करना है कर ले। अरे बेबी क्यों रो रही हो? चिंगा कर मुझे यटी की बहुत याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज तुम जानते हो वो कहाँ है? मैं जानता हूँ बेटे, पर मैं वहाँ तुम्हें लेके जा नहीं सकता। सूरज साहब को पता चल गया ना, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे बेटे। चिंगा अंकल मामा को नहीं पता चलेगा, प्लीज मुझे एक बार यटी से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। अरे मत रो मत रो मत रो, मैं तुम्हें एटी के पास ले जाता हूँ, पर किसी को बताना नहीं है, ठीक है? चल। दितम दितम जुम 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 हो हा 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 देख कोई आज जरा जोश हमारा। चीयर्स। लगता है भीड़ प्यासा है। प्यासा ही नहीं है लाला, भूखा भी है। अभी इसकी भूख और प्यास मिटाता। पानी पिलाना चाहिए बेचारे को, कैसे लोग हैं आप? प्यासा है, पानी पिएगा। चुप हो जा बेटे, चलो। बेटी मत रो, चाहो खत्म हो गया। आशा
कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। हाँ। साशा देखो बेटा, जिद नहीं करते, खा लो। नहीं भैया, ऐसे कब तक चलेगा? इस तरह तो ये बीमार पड़ जाएगी। दीदी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होने वाला। इसकी हर जिद हम पूरी तो नहीं कर सकते। पता नहीं उस दरिंदे ने इस पर क्या कर दिया है। अरे साशा, हाय साशा, हाय, हाउ आर यू? आ जाओ, आओ आओ, आओ बैठो, आओ बच्चों, फिक्र मत कर। नम्रता अब तुम ही इसे समझाओ, ये बिल्कुल खाना नहीं खा रही। क्या हुआ साशा, तुम खाना क्यों खा रही? मुझे एटी से मिलना है। मिलना तो हमें भी है, पर कैसे मिले? हाय सूरज। हाय विजय। कैसे हैं जी? अभी तक तो ठीक हूँ। अरे साशा बेटी, अंकल ने डाटा तो नहीं? विजय अंकल, मुझे एटी से मिलवा दो ना प्लीज। कभी नहीं विजय, अगर तुम्हें हमारी दोस्ती प्यारी है तो तुम इसे एटी से नहीं मिलाओगे, वरना याद रखना हमारी दोस्ती में फर्क आ जाएगा। अरे सूरज भैया, तुम समझते क्यों नहीं? ये बच्ची इतने दिनों तक उस दरिंदे के साथ रही, वो भी अकेली, उसने से कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये अगर उसे एक बार मिल लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? बेकार की बहस करने का कोई फायदा नहीं सोनी। मैं जो कहना चाहता था कह दिया। ठीक है, जो तुमने कहना था वो तुमने कह दिया। अब एक बात मेरी सुनो, मैं येटी को छुड़ाने जा रहा हूँ उन बदमाशों की कैद से। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, नहीं पूरी पलटन भी आई है। तुम तो जानती हो मैं येटी को उन बदमाशों की कैद से छुड़ाने जा रहा हूँ, वहाँ कितना खतरा है, फिर भी तुम? बाबूजी, साशा और उसके दोस्त सिर्फ एक बार येटी से मिलना चाहते हैं। पागल हो गई हो तुम, मैं बच्चों को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। विजय अंकल, अगर तुमने मुझे येटी से नहीं मिलवाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बाबूजी, क्यों बच्ची का दिल तोड़ रहे हैं? एक बार मिलवा दो ना। मिलवा दो ना अंकल, प्लीज प्लीज मिलवा दो ना प्लीज। आपको हमारी कसम। ठीक है सॉरी, तुम बच्चों का ख्याल रखो, जब तक मैं गार्ड्स को ठिकाने लगा के आता हूँ।
बर्दाश्त नहीं कर सका है अंकल, कुछ भी करो, मेरी गेटी को बचालो। हमें इसे फौरन ऐसी जगह ले चलना चाहिए जहां इसे सर्दी मिल सके। बदमाशों ने इससे बहुत तड़पाया है, लगता है अब इसका बचना मुश्किल है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो साशा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। येटी, उठो येटी, उठो, आगे खोलो, 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 अंकल, मेरे येटी को बचा लीजिए अंकल, मेरे येटी को बचा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी होश में आ रहा है। Yeah.
रहा है वो। आओ मेरे साथ। चलो। I love you, यति, मेरे प्यारे यति। यति। सूरज, मैंने तुमसे कहा था ना, यति एक जानवर है लेकिन उसके सीने में इंसान का दिल है। विजय कुमार यति को छुड़ा कर ले गया है। क्या? मैं जानता हूं वो उसे वहीं सफेद चोटी की गुफाओं की तरफ ले गया होगा। लोखन लाला, मैं यति को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूं। सर्च पार्टी तैयार करो, हमें फौरन सफेद चोटी की तरफ बढ़ना होगा। मुझे Ah!
धरती को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां गोला बारूद से पानी पानी हो जाएगी। नहीं, यदि कुदरत की इमारत है वो इन्हीं बर्फ की पहाड़ियों में वापस जाएगा। हम यति को पाने के लिए कुदरत से टकरा जाएंगे, हम यति को लेकर ही जाएंगे। अरे पहले हमसे तो टकरा लो, कुदरत की मार तो बाद में पड़ेगी। हाँ, हाँ, पहले हमसे टकरा लो।
घबराओ नहीं लोखंडाला, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से नहीं यति के हाथों से लिखी है। अरे भाग, भाग क्या जाएगा कहां? से बाहर ले जाना चाहता था, आसमान की कंधे को छूना चाहता था, मगर आज खुद मौत के झूले में लटक रहा है। तू भी मरेगा, मगर इतनी आसानी से नहीं। तेरे सारे जिस्म को मैं जख्मों से भर दूंगा। इसी गुफा में दफन हो जाएंगी। यह बर्फ की गुफा नहीं, तेरी मौत का मकबरा है। भाग, भाग कर जाएगा कहां? अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती, ये दुनिया
जालिम है। हाँ येटी, तेरी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी येटी। चला जा येटी, चला जा। गुड बाय येटी, गुड बाय। Yeah,